सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्ले स्टोर के एक न्यू फीचर के बारे में। जैसे गाइस आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को सर्च करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद आप लोग स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे गाइस कुछ ऑप्शन शो करता है, यहाँ पे कुछ आपको डिवाइस शो करता है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल ऑन मोर डिवाइस। ये जो ऑप्शन आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसको आप लोग कैसे हटा सकते हो, इसको आप लोग यूज कैसे कर पाओगे, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल पे नए हो, पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग स्क्रीन पर देखो, जैसे यहाँ पे मैं प्ले स्टोर को कट करता हूँ, कट करने के बाद जैसे मैं प्ले स्टोर को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद कोई भी अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जाता हूँ तो कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग को इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पे गाइस आप लोग को डिवाइस शो नहीं कर रहा है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कोई अलग चीज, बोले तो रोबलेक्स सर्च करता हूँ, तो आप लोग स्क्रीन पे देखो यहाँ पे रोबलेक्स मेरे फोन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोला, लेकिन इस पर आप लोग देखो यहाँ पे डिवाइस शो नहीं कर रहा है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये डिवाइस शो अभी क्यों नहीं कर रहा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखो आप लोगों को करना क्या है कि पहले इसको अपडेट करना है, ठीक है। जैसे गाइस आप लोग रोबलेक्स एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं अभी अपडेट कर लेता हूँ, और अपडेट करने के बाद, ठीक है, तो गाइस आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जैसे देखो ये एप्लीकेशन यहाँ पे मैं डाउनलोड करने के लिए जाता हूँ तो कुछ स्टेप्स इंटरफेस आता है, और यहाँ पे देखो एक आइकन बन गया था, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोगों को जितना भी डिवाइस है वो डिवाइस शो करेगा फिर से, ठीक है। तब बात करते हैं इसका काम क्या है, ये क्यों शो कर रहा है और इसका यूज कैसे कर पाओगे। तो गाइस आप लोग स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे जो ये फोन देख रहे हो, ये मेरा IQ9 फोन है, ठीक है। और मेरा जो ईमेल आईडी है ना, ये जो ईमेल आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी जिस फोन के अंदर होगा, ठीक है, जिस फोन के अंदर लॉगिन किया होगा और उस फोन के अंदर इसी ईमेल आईडी से प्ले स्टोर ओपन होगा, तो क्या होगा कि अगर आप लोग प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग को उस फोन के अंदर ही बताएगा कि उस फोन के अंदर ये एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो मेरे पास ये एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, और इंस्टाग्राम मेरे जिस फोन के अंदर, देखो रियलमी फोन के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है। और सैमसंग मेरा डिवाइस है, उसके अंदर क्या हुआ कि उस इंस्टॉल नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा तो उस फोन के अंदर भी इंस्टॉल हो जाएगा जाके, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से गाइस यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग को अगर मान के चलो अगर आपके फोन के अंदर यहाँ पे सैमसंग के अंदर ये एप्लीकेशन नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा। अगर गाइस आपके फोन के अंदर ये एप्लीकेशन है, ठीक है, और आपके दूसरे फ़ोन के अंदर भी ये एप्लीकेशन है, तो आप लोग एक फ़ोन से ही अपडेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही लगा मेरे को। और ये फीचर गाइस काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देखो, मेरे को इस गेम को डाउनलोड करना है, किस फोन के अंदर करना है, दूसरे फोन के अंदर डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस गेम को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सा ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिवाइस, यानी कि ये जो डिवाइस जिस फोन में अभी मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, दिस डिवाइस का मतलब ये हो गया रियलमी में क्लिक कर दूँगा और इसको अनटिक कर दूँगा, ठीक है, और इंस्टॉल पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो डिवाइस, ये एप्लीकेशन है ना, मेरा दूसरे फ़ोन के अंदर डाउनलोड लेना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि आप लोग को मैं अगर स्क्रीन पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, मैं किसी और डिवाइस को मतलब ये कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो गेम है इजीली वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से गाइस आप लोग अपने दूसरे फ़ोन के अंदर, तीसरे फ़ोन के अंदर, जितना भी फ़ोन के अंदर अगर आपका डिवाइस लॉगिन किया होगा तो उसमें इजीली आपका जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल लेना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि मेरा फ़ोन के अंदर अभी इंस्टॉल भी हो चुका है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कारण से, ठीक है। बाकी कुछ स्टेप से इसको यूज कर पाओगे और ये फीचर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपके पास दूसरा फ़ोन नहीं है और उसके अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, अगर उसके अंदर जीमेल आईडी होगा तो आप लोग इसमें बैठे बैठे इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये फीचर कैसा लगा आप लोग कमेंट कर देना। बाकी इस फीचर को आप लोग नहीं हटा पाओगे, इसको हटाने के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा कि आप लोगों को जितना भी आपका जीमेल आईडी है ना जिस फोन के अंदर, उस फोन से आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ये फीचर ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। बाकी देखो जितना भी रिक्वेस्ट था सबको मैंने वीडियो में बता दिया, अच्छे से समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो के अंदर, सबसे के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।